नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम यादव आपके मालागढ़ क्षेत्र का जाना पहचाना संस्थान एकलव्य कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर मालागढ़ और परिस्थितियों और समय को देखते हुए हम इस एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं आपके सामने और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उनको ऑनलाइन आपके सामने अध्ययन कराऊंगा ताकि आप घर बैठकर भी और इस कंपटीशन के क्षेत्र में उसका लाभ ले सके। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य परिचय, क्योंकि उसकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सामान्य जानकारी से फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में राजस्थान का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। उसके अलावा इसका जो प्रारंभ नामकरण तथा भारत में इसकी स्थिति, तो राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान का प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान भारत का एक राज्य है और भारत के लगभग दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। राजस्थान का जो नामकरण है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, कैसे इसका नाम राजस्थान पड़ा। तो प्रारंभिक जो मध्य काल में, उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में ये एक राजपूत शासक क्षेत्र था और सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने एक नाम दिया इस क्षेत्र को रायथान, क्योंकि राजपूत स्टेट था, राजपूत यहां शासन कर रहे थे और इसी आधार पर इसका नाम रखा था उन्होंने रायथान। उसके बाद फिर एक और अंग्रेज अधिकारी यहां पर आया और उस अंग्रेज अधिकारी ने यहां राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की, राजस्थान का इतिहास जाना और राजस्थान का इतिहास जानकर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और एक किताब लिखने वाले थे वो कर्नल जेस्टो अर्थात घोड़े वाले बाबू। उनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो घोड़े पर बैठकर अपने और चारों तरफ घूमता रहता था और वहां से जानकारियां एकत्र करते रहते थे, अर्थात घोड़े वाले बाबा कर्नल जेस्टो। कर्नल जेस्टर्ड अर्थात घोड़े वाले बाबा और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी 1829 में। पुस्तक का नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान और इस पुस्तक में इन्होंने इस क्षेत्र को राजस्थान के नाम से दर्शाया था, अर्थात सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेस्टर्ड ने 1829 में और इनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्विटी।
उसके बाद राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ देश आजाद होने के बाद, और संवैधानिक तौर पर राजस्थान नाम दिया गया था। संवैधानिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर इस क्षेत्र का नाम राजस्थान पड़ा। तो ये तो राजस्थान के नामकरण की बात है कि सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान नाम दिया था। उसके बाद 1839 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसको नाम दिया था राजस्थान। उसके बाद संवैधानिक तौर पर इसका नाम रखा गया था राजस्थान 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर, और ये दर्जा इसे प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर। यानी 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और उससे छत्तीसगढ़ बना, और उसी के साथ ये फर्स्ट नंबर पर आ गया था। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर विस्तृत है, अर्थात लगभग भारत का 1/10 भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की स्थिति की अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो राजस्थान का भारत में दक्षिण और उत्तर के मध्य में इसका भाग आता है, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। स्थिति की बात की जाए तो देखो, ये भारत का मानचित्र हम लेते हैं, और इस मानचित्र के आधार पर अगर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कहां पर स्थित है इस मानचित्र में। तो ये है राजस्थान हमारा, ये राजस्थान की स्थिति है। अर्थात दिशाओं की जब बात की जाए तो ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। अर्थात ये पूरी तरह ना तो पश्चिम में है और ना ही उत्तर में, अर्थात दोनों के मध्य में, और मध्य में होने के कारण दोनों के बीच में है, अर्थात इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, स्थिति पता लग गई कहां पर है, उत्तर पश्चिम में स्थिति इसकी है, उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। फिर आगे देखते हैं कि राजस्थान को एक मैप के आधार पर हम पढ़ते हैं, ये राजस्थान है, और राजस्थान की हम बात करते हैं कि राजस्थान को प्रशासनिक आधार पर 7 संभाग और 33 जिलों में विभाजित किया गया है। यानी 7 संभाग में
और 33 जिलों में इसको विभाजित किया गया है ताकि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे और सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब 7 संभाग और 33 जिले। अब राजस्थान को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी कंडीशन हमें पता होना चाहिए, उसके जिले हमें पता होना चाहिए कि भाई जिलों की स्थिति क्या है, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक आएंगे हमारे वो सारे इन जिलों पर डिपेंड करेंगे। क्योंकि जिले अगर हमें कंडीशन की पता है कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है तो आगे हम भविष्य में जो भी पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत सारी आसानी होगी, हर जगह हमें जिले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हमें जिलों की स्थिति, वास्तविक स्थिति की कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है वो हमें पता होगा तो ही हम आगे आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे। तो इन 33 जिले हैं तो 33 जिलों की हमें स्थिति देखनी है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। तो हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उत्तर दिशा है ये इसके, और ऊपर से स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है ये वाला भाग, ये है श्री गंगानगर जिला। हम इसे सीमा रेखा के साथ साथ चलेंगे क्योंकि हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे कि सीमावर्ती जिले और आंतरिक जिले। तो सबसे पहले हमें सीमावर्ती जिले याद करने हैं। तो सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर हो गया, गंगानगर से लगता हुआ दूसरा जिला ये बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर पे लगता हुआ है जालौर, जालौर से नीचे सिरोही, सिरोही से आगे उदयपुर, उदयपुर से आगे बढ़ते हैं डूंगरपुर, और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो है बांसवाड़ा। तो यहां से हमने उत्तर से प्रारंभ किया, ऊपर से गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये उत्तरी भाग है इसका और ये दक्षिण है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी सीमा रेखा के सहारे हम आगे चलते हैं, बांसवाड़ा फिर ऊपर चलेंगे, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से ऊपर आगे बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़, फिर आगे चलते हैं कोटा, बारा और झालावाड़। कोटा, बारा और झालावाड़, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, यानी दक्षिण से फिर प्रारंभ किया और दक्षिण से चलते हुए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और ये हमारा कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग है। अर्थात दक्षिण से स्टार्ट करके पूर्व तक आए ये सीमावर्ती जिले थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं धौलपुर से ऊपर भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू
और उत्तर में, क्योंकि पूर्व से शुरू किया और उत्तर की ओर चलते चलते लास्ट है हनुमानगढ़। अर्थात ये हमने बाउंड्री पर लिया, अर्थात सीमा रेखा पर स्थित जिले की स्थिति हमने देखी और सीमा रेखा पर इस प्रकार चलते हुए हम इन जिलों की स्थिति हमें ज्ञात हो गई है कि यहाँ से प्रारंभ किया गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर से फिर प्रारंभ किया भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। अर्थात हम इन 33 जिलों में से कितने जिले पढ़ चुके हैं? 25। अर्थात 25 जिले इस सीमा से लगते हुए हैं, अर्थात सीमावर्ती जिले हैं। उसके बाद बचे कितने? 8 जिले। अर्थात 8 जिले जो किसी भी राज्य या देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं और ये आंतरिक है, यानी अंदर है, सीमा से दूर है, अर्थात इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? आंतरिक या मध्यवर्ती जिले कहते हैं। और ये मध्यवर्ती जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, ये भीलवाड़ा है लेकिन ये सीमावर्ती टच है, ये सीमावर्ती जिला है। उसके बाद अलवर से नीचे दौसा, जयपुर के नीचे टोंक और कोटा के ऊपर है बूंदी, यानी 25 और 8 33। तो ये 33 जिले जो राजस्थान के हैं उनकी स्थिति है। इन जिलों की स्थिति हमें पूरी तरह से अगर दिमाग में हमारे में है तो हम कोई भी क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सीमावर्ती कौन से राज्य से लग रहा है, कौन से देश से लग रहा है, या किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लग रहा है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, बहुत सारे टॉपिक इससे हमारे क्लियर हो जाते हैं क्योंकि हमें ये मैप याद है। तो हम आगे के जो भी टॉपिक होंगे उनमें हमें सब में क्या होगी? आसानी होगी। तो अब बात करते हैं हम, ये हमारा 33 जिलों की स्थिति आ गई। तो फिर क्वेश्चन बनते हैं कि सीमावर्ती जिले कितने हैं, किस राज्य से कितने जिलों की सीमा लग रही है, कौन सा जिला पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में। कई बार कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैप पर आधारित आ जाता है कि आपको पॉइंट दे दिए 4 A B C और D और पूछ लिया कि ए पर कौन सा जिला है, बी पर कौन सा है, सी पर कौन सा है, डी पर कौन सा है। तो तब आप यहाँ पर ए दिया है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ सीकर है, यहाँ बी है तो आप बता सकते हैं कि पाली है। तो हमें मैप की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर मैप पर डिपेंड करता है, मानचित्रों पर चलता है और मानचित्र आपके दिमाग में है तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर हमें दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं सीमावर्ती जिलों की। सीमावर्ती जिले, अर्थात सीमावर्ती जिले ऐसे जिले होते हैं जो किसी राज्य या देश की सीमा को छूते हैं या स्पर्श करते हैं। तो हम यहां से प्रारंभ किया क्योंकि ये क्या है, पूरी पूरी राजस्थान की सीमा है जो दूसरे राज्य या दूसरे देश से लगती है। तो सीमावर्ती जिले कितने हुए? यहाँ से प्रारंभ किया गंगानगर 1, बीकानेर 2, जैसलमेर 3, बाड़मेर 4, जालौर 6, 5, सिरोही 6, उदयपुर 7, डूंगरपुर 8, बांसवाड़ा 9, प्रतापगढ़ 10, चित्तौड़गढ़ 11, भीलवाड़ा 12, कोटा 13, बारा 14, भीलवाड़ा झालावाड़ 15, उसके बाद सवाई माधोपुर 16, करौली 17, धौलपुर 18, भरतपुर 19,
अलवर 20, जयपुर 21, सीकर 22, झुंझुनू 23, चूरू 24 और हनुमानगढ़ 25। अर्थात 25 जिले कैसे हमारे सीमावर्ती जिले। फिर जबकि जिले 33 है तो बच कितने गए 8। अर्थात 8 जिले कैसे हैं आंतरिक जिले बोलते हैं, आंतरिक या मध्यवर्ती। आंतरिक या मध्यवर्ती जिले कितने हैं 8 है। 8 कौन कौन से हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य देश से नहीं लगती है। जोधपुर 1, नागौर 2, पाली 3, अजमेर 4, राजसमंद 5, टोंक 6, बूंदी 7 और दौसा 8। ये 8 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है। फिर प्रश्न इससे बनता है कि पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जिलों की सीमा किस जिले से लगती है। तो पाली राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। अर्थात कौन कौन से जिले इनसे लग रहे हैं, कितने जिलों से लगती है। तो पाली की सीमा कितने जिलों से लगती है, 8 जिलों से लगती है। 8 जिले कौन कौन से हैं, जोधपुर है, नागौर है, अजमेर है, राजसमंद है, उदयपुर है, सिरोही है, जालौर है, बाड़मेर है। तो ये 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, पाली जिले से लगती है। अर्थात सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, पाली है। और इसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। अब पहले पूछा जाता था कि कितने जिलों से लगती है, 8। लेकिन अब कंपटीशन हार्ड हो रहा है धीरे धीरे, तो ये नहीं पूछता क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि 8 से लगती है। अब वो कोई 3 जिलों के नाम दे देगा, 4 जिलों के नाम दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से किस जिले की सीमा पाली से नहीं लगती है। कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस जिले की सीमा पाली से नहीं लगती है। तो यहां पर हमें क्या है कि इन जिलों के नाम याद होने चाहिए, 8 कौन से हैं। क्योंकि ये तो पूछ पता है कि 8 से लगती है लेकिन नाम कौन से हैं 8 के। तो इसमें हमें 8 के 8 जिलों के नाम याद होंगे तो ही हम बता सकते हैं कि कौन सा लगता है और कौन सा नहीं लगता है। तो 8 की याद हम एक तो मैप के आधार पर रख सकते हैं कि मैप हमारे दिमाग में, हम बता सकते हैं कि यहां से जोधपुर की लग रही है, यहां से नागौर की लग रही है, इधर अजमेर, इधर राजसमंद, इधर उदयपुर, यहां से सिरोही, ये जालौर और ये बाड़मेर। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहते, तो उसके लिए हम छोटी मोटी हम ट्रिक बना सकते हैं। तो इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक यूज में ले सकते हैं कि जैसे ए पाली उसी बाजार ना जा। अब इसमें क्या है कि हम 8 जिलों के नाम याद रख सकते हैं क्योंकि ये अगर याद है तो हम यहां इतनी ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी, वैसे इनमें फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि इस लाइन को हम याद कर सकते हैं आसानी से, कोई कठिन नहीं है कि ए पाली उसी बाजार ना जा। तो ऐसे हो गया हमारा अजमेर, पाली तो है क्योंकि पाली के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पाली से कौन से लग रहे हैं। उसके बाद पूछे हैं उदयपुर, सी से है सिरोही, बा से बाड़मेर, जा से जालौर, रे से राजसमंद, ना से नागौर और जा से जोधपुर। इस प्रकार से हम आसान कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा कि पाली से सर्वाधिक जिलों के लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि पाली तो हम सबने रट रखा पता है हमें, लेकिन सेकंड स्टेज किसकी आती है,
कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है? तो सर्वाधिक जिलों की सीमा सेकंड नंबर आता है नागौर का, तो नागौर की 7 जिलों से लगती है। अब 7 जिले कौन कौन से हैं? ये हमें पाली हो गया, जोधपुर, चूरू, इधर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, ये 6 अब क्या लग रही है, 7 जिलों की सीमा लगती है, तो दूसरे नंबर पर है नागौर। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो हमें पूर्व पश्चिम की दिशाओं का याद रखना है कि कौन सी दिशा किधर को पड़ती है। दिशा याद रखने के लिए सबसे साधारण और सिंपल तरीका है कि आपको दो दिशा याद रखनी है और दो अपोजिट हम जानते ही हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो भी मानचित्र या मैप होगा कोई भी, उसका ऊपरी सिरा हमेशा उत्तर दिशा रहता है, कन्फर्म है कि ऊपर क्या होगा, उत्तर दिशा होगी। और जब हम उस मानचित्र को देख रहे हैं या उस मॉडल या चित्र को देख रहे हैं, तो हमारे सामने चित्र है और हमारा जो दाहिना हाथ होगा, राइट हैंड, वो हमेशा पूर्व दिशा रहेगी। तो ये हो गई हमारी पूर्व दिशा कि ऊपर हो गई उत्तर और दाहिने हाथ की ओर पूर्व दिशा रहती है। अपोजिट हम जानते हैं कि उत्तर के अपोजिट दक्षिण और पूर्व के अपोजिट पश्चिम हो गई है। तो दिशाओं के आधार पर भी हमें कन्फर्म हो जाता है कि सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। तो सबसे पूर्व की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी जिला हो जाता है धौलपुर, सबसे पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर है, सबसे उत्तर में कौन सा है, गंगानगर है, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, बांसवाड़ा है। अर्थात हमें दिशाओं के आधार पर भी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण जिले हमें ज्ञात हो गए कि कौन सा जिला पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी, कौन सा उत्तरी और कौन सा दक्षिणी जिला है। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है, इसी मैप पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी आकृति कैसी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है इसका, अर्थात आकृति की बात की जाए कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है या कैसी आकृति है। तो हम इसमें देखते हैं कि लगभग 4 कोण हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चारों कोण समान नहीं है। कोण तो 4 है लेकिन समान नहीं है, अर्थात कैसे है, सम नहीं है अर्थात विषम है, विषम है। तो इस विषम है और 4 कोण है, अर्थात इसकी आकृति कैसी हो गई, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, यानी चतुर्भुज तो है लेकिन कैसे कोण है, विषम कोण है। उसके अलावा फिर दूसरी आकृति और कैसी बन रही है कि पतंग के समान, अर्थात पतंगाकार, पतंग के समान अर्थात कैसी है, पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति कैसी होगी, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार और या फिर पतंगाकार है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और सीमावर्ती जिले हमने क्या पता किया कि 25 जिले सीमावर्ती हैं, 8 जिले आंतरिक हैं। अब इसके पड़ोस में, क्योंकि ये सीमा किसी राज्य या देश से तो लगती होगी, तो कौन से देश से लग रही है, कौन से राज्य से लग रही है, तो सीमावर्ती राज्य और देश हमें पता होना चाहिए। हम इसमें देखेंगे कि कौन से देश की सीमा लगती है और कौन से राज्य की सीमा लगती है। इसे राजस्थान की जो सीमा है ये 5 राज्यों से लगती है, उसके साथ साथ एक देश से भी इसकी सीमा लगती है, अर्थात एक देश और 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, अर्थात सीमा बनाता है 5 राज्यों के साथ और एक देश के साथ। अब वो राज्य
राज्य कौन से हैं, देश कौन से हैं, किस दिशा में है, किधर के साइड है, कौन से जिले उनसे लगते हैं, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं कि भाई गुजरात से लगने वाले जिले कौन से हैं, या कोई चार जिलों के नाम दे दिए, बता दिया कि भाई चार में से कौन से जिले की सीमा गुजरात से लगती है, या किसी एक को अलग दे दिया, तीन लगने वाले दे दिए, पूछ लिया किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की सीमा कहां से कहां तक है, हमारे राज्य की सीमा को छूती है, यानी राजस्थान की सीमा से लगती है। तो पांच राज्य और एक देश है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं, उत्तर से ही, और यहां से लेकर उत्तर में गंगानगर से लेकर और बाड़मेर तक, ये पूरी की पूरी यहां से बाड़मेर गंगानगर के बीच की जो सीमा है ये एक देश से लगती है, देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, बाड़मेर से लेकर और दक्षिण में बांसवाड़ा तक, बाड़मेर से बांसवाड़ा तक, और ये सीमा बनाता है गुजरात के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं बांसवाड़ा से लेकर और सीधे पहुंच जाते हैं पूर्व की ओर और धौलपुर तक, यानी बांसवाड़ा दक्षिणी जिला है और धौलपुर पूर्वी जिला है, अर्थात पूर्व और दक्षिण के बीच की जो सीमा है पूरी की पूरी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और धौलपुर से प्रारंभ होकर भरतपुर तक ये सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, भरतपुर से प्रारंभ करते हैं और भरतपुर से लेकर हनुमानगढ़ तक ये लगती है हरियाणा से, और फिर आगे बढ़ते हैं और हनुमानगढ़ और गंगानगर से लगती है पंजाब की सीमा। तो ये सीमावर्ती राज्य और देश हो गए, यानी एक देश हो गया पाकिस्तान और पांच राज्य हो गए, गुजरात एक हो गया, मध्य प्रदेश दो हो गया, उत्तर प्रदेश तीन हो गया, हरियाणा चार हो गया और पंजाब पांच हो गया। क्योंकि दिशा हम पहले याद कर चुके हैं, तो दिशा के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि प्रश्न आता है कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से किस राज्य की सीमा लगती है, या दक्षिणी क्षेत्र से किस राज्य से लगती है, या दक्षिण पूर्व से कौन से राज्य की लगती है। तो दिशा हमें ज्ञात है और राज्य की स्थिति ज्ञात है, तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। दिशाओं की बात कर लेते हैं कि उत्तरी, क्योंकि ये कौन सा है भाग है, उत्तर है, तो उत्तरी भाग की सीमा लगती है पंजाब से। आगे बढ़ते हैं, ये पूर्वी भाग है, पूर्व है, और ये उत्तर और ये पूर्व, ये बीच का भाग है, अर्थात दोनों का मिक्सअप है इसमें, यानी कुछ भाग पूर्व का भी आ रहा है कुछ भाग उत्तर का भी आ रहा है। तो ये हो गए उत्तर पूर्व दिशा, अर्थात हरियाणा की सीमा लगती है उत्तर पूर्वी भाग से। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये पूर्व दिशा है और पूर्व में कौन सा लग रहा है, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान के पूर्वी भाग से लगने वाला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पूर्व और ये दक्षिण है, अर्थात दक्षिण और पूर्व के मध्य में ये है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व में आता है मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा लगती है दक्षिण पूर्वी भाग से। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये दक्षिणी भाग है, तो दक्षिण में तो क्या है, मध्य प्रदेश भी है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, उत्तर पूर्व की बात आएगी तो भी मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है गुजरात, अर्थात दक्षिण पश्चिम भाग। तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, गुजरात राज्य स्थित है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, पश्चिम से लेकर ये उत्तर है,
और उत्तर और पश्चिम के बीच में है पाकिस्तान। अर्थात पाकिस्तान की सीमा कौन से भाग से लगती है? उत्तर पश्चिम से। अर्थात राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। अर्थात इस प्रकार से हम दिशाओं का हमें पता लग गया कि भाई पूर्वी राज्य कौन सा है या उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। तो इस प्रकार हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है।